एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन। उम्मीद करती हूँ कि आपने हमें बिल्कुल मिस नहीं किया होगा संडे वाले दिन और आपने हमारा बेस्ट ऑफ जरूर इंजॉय किया होगा, लेकिन मैंने बहुत मिस किया क्योंकि जब आपको छुट्टी होती है तब आप जब छुट्टी नहीं होती तो आपका दिल कर रहा था आपको छुट्टी मिल जाए, जब आपको छुट्टी मिल जाती है तो आप सोच रहे होते हैं कि अच्छा घर बैठ के भी क्या करना था, ऑफिस ही चले जाते, तो ऐसा ही हिसाब कुछ मेरा होता है जनाब। तो आज हम आपके साथ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे, ढेर सारी बातें भी करेंगे, 14 अगस्त की तैयारियों के हवाले से भी आपको बताएंगे क्योंकि जश्न आज़ादी मनाने के लिए लाहौरी तो बहुत एक्साइटेड है। मैं रोज भी देख रही थी और वैसे बिल्डिंग्स वगैरह पर उन्होंने लाइटिंग वगैरह की हुई है, तो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होगी आज के हवाले से कि आज कैसे मनाएंगे जो 14 अगस्त की चांद रात है वो लाहौरी, तो ये भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपके साथ रिसर्च शेयर करें और आपको बताएं कि स्मार्टफोन और टैबलेट की नीली आंखें नीली रोशनी आंखों के लिए नहायत तबाहकुन करार दे दी गई है। ऑब्वियसली डिस्करेज बहुत ज़्यादा किया जाता है कि आप अपना स्मार्टफोन जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल ना करें रात के वक्त अंधेरे में, स्पेशली लाइट जो होती है आपकी आंखों पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। तो इस आपने पिछले दिनों देखा भी था कि सोशल मीडिया पर एक खातून की जो है खबर भी आ रही थी कि वो बहुत कई अरसे तक जो वह स्मार्टफोन की स्क्रीन पर नज़रें जमाए रखती थी रात गए तक और एक माह तक वो अपनी बेनाई से महरूम रही। तो इस तरह के खुदा ना खास्ता आपको कोई चीज़ सफ़र ना करें। नीली रोशनी के हवाले से बात की जाए या तो ये सूरज की शुआओं में होती है या ये स्मार्टफोन जो रात के टाइम जो खारिज होती है और आपकी आंखों को डायरेक्टली इम्पैक्ट डालती है। अच्छा नीली रोशनी की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके इंटरनल साइकिल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। अक्सर लोगों की आदत होती है कि रात को लाइट ऑफ करके या तो वो कोई कुछ पढ़े होते हैं, बुक पढ़े होते हैं, कोई ड्रामा देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, तो इस तरह से जब आप इसकी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो रात गए थे किसका इस्तेमाल जब नीली आंखें जो नीली रोशनी आंखों पर असरअंदाज होती है तो आपका जो डेफिनेटली एक जो बिनाई वाला सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। एक रीसेंट रिसर्च के मुताबिक कि आंख के पर्दे पर या रेटिना जिसको हम कहते हैं नीली रोशनी की शुआएं पड़ते ही वहाँ पर एक केमिकल प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है, उस रोशनी से जो है आपके सेल्स वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं और सबसे जो ये तश्वीशनाक बात यह है कि जो सेल्स तबाह होते हैं वो दोबारा से नहीं बनते। तो लिहाजा माहिरीन यही कहते हैं कि जितना मैक्सिमम हो सके आप अवॉइड करें कि आप रात गए तक जो स्मार्टफोन है उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो नीली रोशनी है जो उसमें से खारिज होती है वो आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप कर भी रहे हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन में एक नाइट मोड होता है जिसमें आपकी स्क्रीन का कलर चेंज हो जाता है, तो आप वो नाइट मोड इस्तेमाल करके तो अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करें इन केस अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि रात गए तक वही बात के अंधेरे में जब आप यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपकी आंखों में तनाव, आपको खुद भी स्ट्रेस भी फील होता है कि आपकी आंखें थक जाती हैं। इवन हम लोग भी जब इस्तेमाल कर रहे हो तो थोड़ी देर भी करें तो आपकी आंखों में दिन के टाइम दर्द शुरू हो जाता है तो रात को तो डायरेक्टली आपके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो जनाब आप नाइट वोयन में कहा जाता है कि इसको इस्तेमाल करें, तो ये आपको आज की हमने आपकी सेहत के हवाले से और आपकी आंखों के हवाले से रिसर्च बता दी। इसके साथ साथ जनाब एक इंटरेस्टिंग रिसर्च भी हमारे पास, वो ये कि ज्वेलरी की दुकान से हीरा चुरा कर ले जाने वाली चूंटी की वीडियो वायरल होगी। जनाब चूंटी आपने देखी है और ये एक शॉप की वीडियो है जहाँ जेवरात की दुकान है जहाँ पर एक चूंटी जो है वह छोटा सा हीरे का टुकड़ा उठाकर लेकर जा रही है और दुकानदार ने इस दिलचस्प मंजर को मोबाइल में महफूज किया और बाद में इसको सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया। वैसे तो इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती और दुनिया भर में बात की जाए तो 1200 से ज्यादा चूंटियों के इकसाम है और एक आम जो चूंटी है वो अपने से 20 गुना जो ज़्यादा वजन है वो उठा सकती है और कुछ ऐसे ताकतवर चूंटियाँ भी होती है जो 100 गुना वजन उठा सकती हैं। और ये जो वीडियो है जिसमें हीरा, मेरे ख्याल से चूंटियाँ वैसे तो चोर नहीं होती है, उसने इसको कहीं चीनी वीनी समझा होगा और वो उठा के ले गई और दुकानदार ने भी देखी कितनी मजे से उसकी वीडियो बनाई और वो उसको अपलोड भी कर दिया। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये वाकई ऐसे लग रहा है कि चूंटी चोरी करके भाग रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता, मेरे ख्याल से वो चीनी के भी लेके भी बस ले गई बेचारी हीरा। ठीक हो गया जनाब, ये तो थी इंटरेस्टिंग सी वीडियो जो हमने देखा सोशल मीडिया पर ट्रेंड बना हुआ है। जनाब स्लीपिंग डिसऑर्डर बेसिकली क्या होता है ये आज हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद होंगी फरिया नाज, उनसे बात करेंगे। वेलकम टू द शो फरिया, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। फरिया आज हम स्लीपिंग डिसऑर्डर के हवाले से बात करने वाले हैं, तो ये बेसिकली है क्या स्लीपिंग डिसऑर्डर? व्हेन इट कम्स टू लाइक डिसफंक्शनैलिटी इन योर स्लीप, लाइक इसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं कि जैसे आजकल तो क्योंकि ट्रेंड बन चुका है ना वो रात को लेट तक जागना और फिर सुबह लेट तक
जो है वो सोते रहना. और ज़्यादातर लोग अब इवन देन के आई हैव सीन मैनी पीपल के जो जिनसे बात की जाए कि आपका आइडियल टाइम होना चाहिए 9, 10, 11 मैक्सिमम, उस वक्त तक आपको सो जाना चाहिए. तो देर जस्ट लाइक कि हमारा तो जो बिज़नेस है वो 12 बजे के बाद स्टार्ट होता है. बिल्कुल. मतलब वो जो मीटिंग्स हैं वो बिज़नेस मीटिंग्स हैं वो उन्होंने 12 बजे के बाद रखनी हैं. 3 बजे 4 बजे उन्हें फ्री होना है. लेकिन जैसे आपने क्वेश्चन किया कि स्लीपिंग डिसऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो स्लीपिंग डिसऑर्डर डिसऑर्डर की कैटेगरी में आप तब फॉल करते हैं जब आपकी लाइफ में उसकी वजह से डिसफंक्शनैलिटी आना शुरू हो जाती है. लाइक इट्स ओके वीक में एक दफ़ा आपको रात को नींद नहीं आई, आप डिस्टर्ब्ड हैं या फिर आप कहीं बिजी हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ ऐसा है, और उसके बाद आप नेक्स्ट डे आप अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, तो इट्स नॉर्मल. लेकिन अगर आपका 2-3 वीक्स तक कंसिस्टेंटली आप देखते हैं कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आपको नींद आ नहीं रही है, उसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं. एक तो ये कि स्लीप इनिशिएशन कि आपकी नींद जो है वो स्टार्ट ही नहीं, आप सो ही नहीं पाते. देन फ्रैक्चर्ड स्लीप कि आपकी बार बार आँख खुलती रहती है. ठीक है. फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं नार्कोलेप्सी, इट्स अ डिज़ीज़ कि जो दिन भर सोते रहते हैं, रात भर सोते रहते हैं. मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो कहते हैं जब कहें आप उनको वो सो सकते हैं. हाँ, मतलब उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, उनको अगर दिन में सो गए तो रात को नींद बड़ी मुश्किल से आती है, बहुत मुश्किल से. इवन देन कि मैं तो क्लाइंट्स को कहती हूँ कि अवॉइड टेकिंग नैप्स ड्यूरिंग द डे बिकॉज ये इट विल इफेक्ट योर लाइक स्लीप ड्यूरिंग द नाइट. क्योंकि अगर आप दिन में नैप ले लेते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रेन है वो स्लीपिंग मोड में चला जाता है. उसको दोबारा से रात को वो जो है ना स्लीपिंग मोड में जाने के लिए उसको थोड़ी डिफ़िकल्टी पेश आती है. उसकी वजह से जो है ना वो प्रेफर किया जाता है कि आप नैप ना लें. इसी तरह से जैसे बहुत सारी ऐसे ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, कैफीन, ये जो टी कॉफ़ी चाय, ये सब कुछ, इन सारी चीज़ों को बंद कराया जाता है इसलिए ताकि 3 बजे के बाद ना लें, ताकि आपका जो ब्रेन है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही वो एक रेस्टिंग मोड में आना शुरू होता है तो आपकी स्लीप की क्वालिटी बेहतर हो जाती है उससे. अच्छा फरिया, ये भी मैं जानना चाहूँगी क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली मैं पहले रिसर्च भी शेयर करी थी कि मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, क्या वो भी एक वजह स्लीपिंग डिसऑर्डर की? बिल्कुल. मोबाइल फ़ोन का देखें एज लॉन्ग एज आर न्यूरो ट्रांसमीटर्स दे आर वर्किंग. देखें जब हम आंखें बंद करते हैं और उसके बाद हम सोने की कोशिश करते हैं तो वो जैसे हम कहते हैं ना स्लीप हाइजीन का फर्स्ट स्टेप होता है कि यू हैव टू कीप योर माइंड और लाइक ब्रेन एम्प्टी. आपने जब हम सो रहे होते हैं तो हमें अपने जहन को खाली करके सुकून से सोना होता है. लेकिन अगर हम मोबाइल फ़ोन खोल के सामने, जैसे बहुत सारे लोग जब लेटते हैं बेड पर तो वो कोशिश करते हैं कि मोबाइल फ़ोन पर कोई वीडियो देखें और वीडियो देखते देखते ही उनको नींद आ जाए, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज योर ब्रेन इज़ वर्किंग, वो एक्टिव है, वो जाग रहा है. तो वो एक वो स्लीपिंग डिसऑर्डर की एक वजह बन सकता है, वो आपकी स्लीप को डिसफंक्शनल कर सकता है. उसकी वजह से आप 3-3, 4-4 बजे तक आप जाग रहे होते हैं बिकॉज वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स आपके उस पोजीशन में ही नहीं आते कि आप की नींद जो है ना वो आपको इनिशिएट हो. अच्छा डाइट का एक रोल होता है जिस तरह आप बताई थी कॉफ़ी चाय चॉकलेट की बात करें, सारी चीज़ें आपकी डाइट में भी आती हैं. इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो नींद को ख़राब या हमारा जो साइकिल है उसको डिस्टर्ब करने को ट्रिगर करते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो एक तो ये कि सब स्ट्रेस, ठीक है, जो कि एवरीबडी यूज टू लाइक एक्सपीरियंस स्ट्रेस डे टू डे बेसिस. हम सब की लाइफ में स्ट्रेस है. अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली यू मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग सम काइंड ऑफ स्ट्रेस लाइक, लेकिन आप उसे कोप अप कर रही हैं किसी ना किसी तरीके से, मे बी हेल्दी मे बी अनहेल्दी, ये इट डिपेंड्स अपॉन यू. ठीक है, इफ़ आई एम सिटिंग हियर तो इट्स नॉट लाइक दैट आई नो कि मुझे यहाँ से जाने के बाद मुझे 10-12 क्लाइंट्स देखने हैं तो मुझे उन सब का स्ट्रेस भी मुझे लेना है, लेकिन आई नो कि मुझे उसे कैसे कोप अप करना है. तो जो मेजर फैक्टर होता है वो स्ट्रेस होता है. देन कम्स डिप्रेशन. डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. डिप्रेशन की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो उनका नींद के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है. डिप्रेशन के अलावा आपके जो सर्कमस्टेंसेज है, आपकी सराउंडिंग है, आपके घर में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, अगर आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, देर इज़ समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन बिटवीन लाइक फैमिलीज और लाइक कुछ इस तरह से, उसकी वजह से नींद बहुत अफेक्ट होती है. फिर आपने जैसे डाइट की बात की, अगर आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल अगर आपका ठीक नहीं है, उसकी वजह से आपकी नींद बहुत डिस्टर्ब होती है. और अभी रिसेंटली मैं एक रिसर्च पढ़ी थी, उसमें मैंने देखा ये जो अब हमारी ये जो टीनेजर्स हैं, मेरे पास एक क्लाइंट आ रही है, शी इज़ जस्ट 13 एंड शी हैड अ ब्रेकअप एक्चुअली और शी इज़ इन डीप डिप्रेशन. शी इज़ 13 एंड शी हैड अ ब्रेकअप.
सो शी इज़ इन डीप डिप्रेशन एंड उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है. हर मदर इज़ सो कंसर्न एंड शी वॉज जस्ट क्राइंग. शी वॉज जस्ट लाइक आई डोंट नो वट आई नीड टू डू नाउ बिकॉज मैं कैसे मैं न वो लड़का इससे बात नहीं करता. फिर ये स्लीपिंग पिल्स ले लेती है, फिर ये कर लेती है, फिर ये कर लेती है. शी इज़ ओनली 13. आई मीन यू इफ यू लुक एट दैट किड, मतलब हमारे यहाँ मतलब मैं वही हम देख रहे थे कि इस एज में हमें लिटरली कुछ नहीं पता था, कुछ पता नहीं. इवन घर वाले टीवी नहीं देखने देते थे. आई स्टिल रिमेंबर कि व्हेन आई वाज 13 तो आई वाज नॉट अलाउड टू वॉच टीवी. इवन कि वो जो टीवी सीरियल्स आते थे मुझे वो भी अलाउ नहीं होते थे. सो उसके ऊपर मैं हैरान हो रही थी. अब जब इस तरह के सिनेरियोज आते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो स्लीप है वो कॉम्प्रोमाइज होती है और ये सर्कमस्टेंसेज हैं जो कि आपकी स्लीप. प्लस ये कि ये जो मैंने नार्कोलेप्सी का आपसे जिक्र किया, ये ड्यूरिंग द डे ये जो नैप लेना है जो बहुत सारे लोगों की आदत होती है, 2 घंटे काम कर लिया आधा घंटा सो लिया, 2 घंटे काम कर लिया आधा घंटा सो लिया, या फिर ये कि आफ्टर एवरी 3-4 आवर्स यू टेक अ नैप, यू प्रिफर टू टेक अ नैप कि आप थक जाते हो. प्लीज़ डोंट डू दिस टू योर सेल्फ बिकॉज इससे आपकी रात की नींद है वो भी नहीं. नहीं, जो जो दोपहर की नींद है वो क्वालिटी स्लीप नहीं है एक्चुअली. वो कहते हैं ना कि आप जब थक के रात को सोते हो ना वो आपकी रेम स्लीप होती है, रैपिड आई मोमेंट, कि वो आपकी स्लीप है जिसमें आपको ड्रीम्स भी आते हैं, जो आपकी क्वालिटी स्लीप होती है जिसके बाद जब आप सोने के बाद. अक्सर लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हम 12 घंटे सोए हैं लेकिन स्टिल वी आर नॉट फीलिंग फ्रेश, वी फील लाइक कि हम पूरी रात जो है ना वो हम जागते रहे हैं, क्योंकि वो आपका दिमाग जाग रहा होता है. आपको आपकी जो नींद है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव नहीं होती है. सही हो गया. अच्छा फरिया, हम ये भी जानना चाहेंगे कि इन तमाम चीज़ों को कह लें कवर या कंपनसेट करने के लिए हमें अपने स्लीपिंग साइकिल क्या होना चाहिए, क्या हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी है, क्या रेस्ट को कम करने के लिए अवॉइड करना है, क्या चीज़ें उसमें. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि यू हैव टू लर्न स्लीप हाइजीन. स्लीप हाइजीन के कुछ स्टेप्स होते हैं कि आपने अपनी स्लीप को बेहतर कैसे बनाना है. आपकी पहली बात तो ये कि यू हैव टू लुक फॉर द फैक्टर्स कि जो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब कर रहे हैं. उसमें कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं कि आप देखें, अगर आपकी लाइफ आपकी स्लीप को स्ट्रेस अफेक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली यू हैव टू लाइक रिड्यूस योर स्ट्रेस, यू हैव टू वर्क ऑन दिस डायमेंशन. अगर आपको लग रहा है कि डिप्रेशन, पास्ट इवेंट्स, पास्ट की जो मेमोरीज हैं, पास्ट आपको अफेक्ट कर रहा है तो यू हैव टू लुक फॉर दैट. एंड इफ़ यू थिंक कि आपके सर्कमस्टेंसेस, आपकी सराउंडिंग जो है वो किसी ना किसी तरह से आपकी स्लीप को डिस्टर्ब कर रही है, तो देन यू हैव टू डू समथिंग अबाउट योर सर्कमस्टेंसेस, अबाउट योर सराउंडिंग. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये कि अगर आप अपनी स्लीप को बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक तो ये कि थोड़ा सा चीज़ों को लाइट लेना शुरू करें, प्रीऑक्यूपाइड ना रहें, एंक्शियस ना रहें. वो जैसे नेस्ले में एक दफ़ा मैं एक लेक्चर डिलीवर कर रही थी तो वहाँ पे उनके सारे हेड्स बैठे हुए थे ऑल ओवर द पाकिस्तान, वो एक ही जगह भी इकट्ठे होके, तो मेरा स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर लेक्चर था. तो उनमें से एक जो उनके हैं, आई थिंक वो न्यूजीलैंड से आए हुए थे, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि हमारा तो काम इस तरह का है कि हमें मतलब जैसे ही ऊपर से बॉस की तरफ से आता है कोई एकदम से कोई चीज़ आती है तो हमें स्ट्रेस लेना पड़ता है, तो हमें ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए, क्या काम छोड़ देना चाहिए. मैंने कहा सर काम तो आपने करना ही है, अब चाहे आप उसे हंस के कर लें या फिर आप उसे रो के कर लें. सो इट्स बेटर के जस्ट लेफ इट आउट. आप सिर्फ और सिर्फ ये देखें, टेक अ ब्रेक, टेक अ सेफ एग्जिट, गो आउट फॉर लाइक 5 to 10 minutes, हैव अ कॉफ़ी, हैव अ ड्रिंक, कुछ पिए अच्छा, कुछ अपने आप को रिफ्रेश करें एंड देन स्टार्ट वर्किंग. थैंक यू सो मच भरिया कि आपने मुझे प्रॉपरली बता दिया कि स्लीपिंग डिसऑर्डर को किस तरह से अवॉइड करना है. और डेफिनेटली जो टिप्स फरिया की जानिब से आपको दी गई, नो डाउट वक्त के साथ साथ और जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी में एक हसल बसल हो रही है, कह लेना एक तेज़ी आ रही है, वैसे बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स जो हैं वो भी असरअंदाज़ हो रहे हैं, लेकिन को अवॉइड करना है और कोशिश करनी है कि एक हेल्दी स्लीप जो है वो आप अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं. अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, न्यूज़ स्टोरीज़ भी डिस्कस करेंगे. आप देखते रहिए जागो लाहौर.